और मम्मी अभी इतनी कंफ्यूज हो रही है ना कि कौन सा लूँ, ये भी पसंद आया है, ये भी पसंद आया है, ये भी पसंद आया। फाइनली हम लोग नीचे उतर गए और बारिश पूरा अच्छे से रुक गया, तो मम्मा ने कहा जल्दी जाकर आ जाते और आज तो एटलीस्ट अपना काम खत्म कर देते। ये ऐसे है मम्मा, तो आज हम लोग जा रहे फाइनली। कहाँ जा रहे मम्मा? खरीदीला जाते हैं। कसली खरीदी? साड़ी वीडी बोली है। मम्मी को थोड़ा सा साड़ी का शॉपिंग करना है, किस चीज़ के लिए करना है, क्यों चाहिए साड़ी, वो सब आपको धीरे धीरे आगे के ब्लॉग्स में पता चलेगा। सो हम लोग को अभी यहाँ से रिक्शा लेना पड़ेगा, क्योंकि स्कूटी एक्टिवा तो मैं नहीं चला सकती हूँ मम्मा को लेके, आई कांट टेक द रिस्क। तो हम लोग रिक्शा से ही जाएंगे और बाहर मेन गेट के बाहर रिक्शा स्टैंड है, वहाँ से रिक्शा मिल जाएगा। सो लेट्स सी आज मम्मा क्या साड़ी का शॉपिंग करती है, चलिए आपको भी दिखाती हूँ। अभी 11:30 हो रहा है, 11:30 को हम लोग नीचे उतरे हैं। सानू का लॉगिन हो चुका है, उसकी ट्यूशन टीचर 11 बजे आई है, तो वो ट्यूशन पढ़ती है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं हो मैं और आई हम लोग मार्केट जा रहे करके, इट्स अ सरप्राइज़ फॉर हर। अभी ट्यूशन ख़त्म होती पूछेगी कहाँ गई मम्मी, कहाँ गई आई करके, और मैं पूरा खाना बनाकर आई हूँ। निशु को बोला सिर्फ गरम गरम खाना गरम करके डैडी को सर्व कर लेना, आप भी खा लेना, क्योंकि आपको पता है साड़ी का शॉपिंग करने जाओ तो कितना टाइम लगता है, एंड स्पेशली मम्मा के साथ। तो हम लोग एकदम अच्छे से सोच समझ के डिसाइड करके मम्मा साड़ी खरीदेगी। सो लेट्स सी टुडे व्हाट मम्मा चूज फॉर हर। हम लोग अभी विरार स्टेशन के पास जो जनता बाज़ार है ना, वहाँ पे लाडली करके जो साड़ी का शॉप है वहाँ पर आए। मैंने बहुत बार ये शॉप बाहर से देखा था, तो आई वॉज लेकिन मम्मा को लाऊंगी तो यही लाऊंगी इस बार। और मम्मी अभी इतनी कंफ्यूज हो रही है ना कि कौन सा लूँ, ये भी पसंद आया है, ये भी पसंद आया है, ये भी पसंद आया, तो मम्मा इज़ गेटिंग वेरी कन्फ्यूज कौन सा चूज़ करो ना मम्मा। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो रहा है मम्मा को। तो फाइनली मम्मा ने सिलेक्ट कर लिया साड़ी, वो तो आपके लिए सरप्राइज़ है कि कौन सा लिया है। और यहाँ पे आपको साड़ी 200 से स्टार्ट होता है, एंड दे हैव गॉट अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल कलेक्शन। नववारी में भी बहुत अच्छा कलेक्शन, ये जो ऊपर पीछे नववारी साड़ी स्टिच करने के लिए या पहनने के लिए भी बहुत अच्छा है। नववारी जी का रेंज है 600 से स्टार्टिंग है, बट सब साड़ी पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, नॉट अंडर 200 वाला साड़ी, बट जो सब हैवी रेंज का है 500, 600, 800, 1000 उस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ऑफर चल, मतलब इनके पास हमेशा 10% रहता ही है, एंड देव गॉट अ वेरी वेरी नाइस कलेक्शन। तो आप कभी आओगे तो ज़रूर आना। गुड़गल सानू देखो को कितना अच्छे से निकाल रही है, टीचर ने उसको प्रैक्टिस कराया और नीचे डॉट करके दिया है खुद से निकालने के लिए। सो नाइसली शी इज डूइंग, गुड जॉब नानू। ये वाला दिखा? हाँ तो वही दिखाया ना, ये क्या दिखाया मैंने, कितना अच्छे से क निकाल रही है सानू, शाबाश। क से कमाल, वेरी गुड। फिर से आए
सब सामान वैसे ही रखा, हाथ पैर धोया, मतलब सैनिटाइज करके रखा, फ्रेश हुए और सबसे पहले खाना खा के ले, क्योंकि हम लोग को 2 बज गए घर पहुँचते पहुँचते और इतनी ज़ोरों की भूख लगी थी ना कि हमने बोला बाद में बाकी के काम होते रहेंगे, पहले खाना खा लेते, तो पेट भर के खाना खा लिया। नाउ एम फीलिंग वेरी नाइस। अभी मैं आप लोगों को क्विकली फटाफट सब दिखा देती हूँ कि हम लोग ने मम्मी का शॉपिंग क्या किया है। और आज मम्मी ने तो इतना एंजॉय किया ना शॉपिंग, आई थिंक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मम्मी ने इतना अच्छा शॉपिंग किया, इतना लंबे समय तक शॉपिंग किया और बहुत सारा कुछ लिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ फटाफट। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है हम लोग जो गए थे मेन साड़ी लेने के लिए गए थे, लेकिन उसके साथ मम्मी ने और भी बहुत सारी चीज़ें खरीद ली है। तो जो मेन साड़ी है वो तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, आगे वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगी, जब मम्मा रेडी हो जाएगी, वो साड़ी का पूरा ब्लाउज व्लाउज सब रेडी हो जाएगा तब दिखाऊंगी। बट आप तब तक गेस करके रखना, आपने स्टार्टिंग ऑफ द ब्लॉग में तो देख लिया, मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जब मम्मा सिलेक्ट कर रही थी, तो उसमें से कोई एक साड़ी मम्मा ने सिलेक्ट किया है। तो तब तक आप गेस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मम्मा ने कौन से कलर की साड़ी ली होगी, मम्मा का कौन सा चॉइस होगा। बहुत डिफिकल्ट चॉइस होता है मम्मा को, मम्मा जल्दी कन्विंस नहीं होती, बहुत सोच के समझ के कॉम्बिनेशन वगैरह सब मैच करके फिर मम्मा साड़ी सिलेक्ट करती है, सो शी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो आफ्टर बहुत सारे ऑप्शन के बाद मम्मा ने फाइनली एक सिलेक्ट कर लिया, तो वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। बट उसके अलावा हम लोग लेकर आए वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो मम्मा को रेगुलर डेली वेयर के लिए 2 साड़ी चाहिए थी, सो एक हम लोग ये लेकर आए जिसमें ग्रीन एंड येलो कॉम्बिनेशन वेरी नाइस एंड ब्राइट कलर, नीचे ऐसा मरून कलर का, रेड एंड मरून का कॉम्बिनेशन दिया, तो आप इसमें रेड येलो ग्रीन ब्लाउज स्टिच कर सकते हो। तो इसमें ब्लाउज पीस नहीं है, इसलिए हम लोग ने अलग से इसका ब्लाउज पीस खरीदा, तो वो अभी स्टिच करना है। और ये 315 बोला था बट मैंने इसको 250 में फाइनल डील किया, वो 1 रुपया भी कम करने तैयार नहीं था कि नहीं फिक्स रेट है। बट आपको पता है मैं फिक्स रेट शॉप्स में कभी नहीं जाती हूँ, मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं एटलीस्ट 5, 10, 15, 20 में कुछ तो कम करके खरीदूँ, तभी मुझे अच्छा फील होता है। एंड आई एम श्योर मेरे जैसे आप में से भी बहुत सारे जन होंगे। द नेक्स्ट वी बॉट इज दिस साड़ी, ये एक बहुत अच्छा येलो और डार्क नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर दिख रहा है। और इसके साथ भी हम लोग ब्लाउज पीस लेकर आए, ये वाला ब्लाउज पीस कॉम्बिनेशन करने के लिए, और ये भी 250 का, ये 315 का, तो 500 में आई गॉट 2 साड़ीज, जो मुझे 650 में पड़ता वो मैं 500 में लेकर आई हूँ। और मटेरियल भी बहुत अच्छा सॉफ्ट है डेली वेयर के लिए। देन फिर हम लोग ब्लाउज पीस लेकर आए, एक मम्मा को रेड ब्लाउज पीस चाहिए था क्योंकि मम्मा का ब्लाउज जूना हो गया, तो एक रेड लिया है। और फिर मम्मा को ऐसा मल्टी कलर ब्लाउज पीस चाहिए था कि कोई कभी कभी क्या होता है ना, आपके पास साड़ी होती है लेकिन उसका मैचिंग ब्लाउज नहीं होता या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कभी टाइट होता है लूज होता है, तो ऐसा मम्मी को ना ऑप्शनल चाहिए था। सो हम लोग 3 ऑप्शन लेकर आए, एक तो ये है मल्टी कलर, सो दिस हैज गॉट ऑल द कलर्स, ब्लू ग्रीन रेड पिंक सब कलर है इसमें, गोल्डन भी है, तो ये कोई भी साड़ी के साथ आप मैच कर सकते हो। उसके अलावा फिर मम्मा को ये प्रिंट वाला कब से चाहिए था, ऐसा लाइनिंग वाला, तो हम लोग को ऐसा स्टैंडिंग लाइन नहीं मिला, दिस इज स्लीपिंग लाइन वाला, ऐसा वेवी वाला है, पर इसमें भी ऑलमोस्ट देखिए सब कपड़ा है, ये 1-1 मीटर का लिया है, सब अलग अलग रेंज का है, 120, 150, 180, और एक ये गोल्डन कलर का लिया है जिसमें ऐसा ऑरेंजिश मरून गोल्डन कॉम्बिनेशन है। तो ये 3 मम्मा ने अलग अलग ब्लाउज पीस खरीदे, अभी इसको स्टिच करने देना है। और मम्मा को नया फुटवेयर चाहिए था, वैसे तो मैंने मम्मा को बोल दिया है कि जब सुशांत आएगा तो हम लोग बाटा में जाने वाले, मम्मा के लिए वो सॉफ्ट वाले जो डॉक्टर वाले चप्पल आते हैं ना वो मम्मा के लिए लेना है, पर टेम्परेरी मम्मा ने ये वाला खरीद लिया कि मुझे अभी फ़िलहाल के लिए तो ले लेते, जब सुशांत आएगा तब हम तो आराम से जाके खरीद लेंगे। तो ये मम्मा ने फ्लाइट्स ब्रांड का जो आता है ना वो उसका लिया है, दिस इज़ फॉर 330, इस पर सिर्फ 10 रुपये कम के, क्योंकि ब्रांड का है तो कम नहीं करते। देन नेक्स्ट व्हाट वी बॉट, वी बॉट नाइस बैग, ये देखिए दिस इज़ फॉर 100 रुपीज़ ओनली, और ये कितना बड़ा है साइज़ में, बहुत अच्छा मल्टी कलर है, इसमें कितने सारे कलर्स है, तो मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। प्लस यहाँ पे इसको चेन भी है, अंदर भी इसको चेन है, और काफ़ी बड़ा बैग है, आप अच्छे से इसमें आप एकदम हैवी सामान नहीं डाल के लेके जा सकते क्योंकि ये इतना वेट नहीं लेगा, बट हल्का सामान या कुछ कपड़े वगैरह लेके ट्रैवल करना हो तो देन दिस इज़ वेरी नाइस, अ वेरी गुड ऑप्शन, और मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया, तो ये एक मैंने मेरे लिए लिया। और मम्मी ने अपने लिए ये पैटर्न में लिया, ये थोड़ा ऐसा पर्स टाइप पैटर्न है, थोड़ा छोटा है कंपेयर टू दैट वन, और इसको भी अंदर जिप्स वगैरह है एंड नाइस सॉफ्ट मटेरियल, वॉशेबल है, आप इसको वॉश कर सकते हो। तो दिस इज़ 100 रुपीज़ ईच, ये भी 100 रुपीज़ का है और ये वाला भी 100 रुपीज़ का है, दोनों कलर कॉम्बिनेशन बहुत, और उसके पास इतने ऑप्शन थे, इतने वैरायटी थे कि हम लोग सोच सोच के कन्फ्यूज़ हो रहे थे कौन सा ले कौन सा ले। फिर मम्मा ने कुछ नेल पेंट्स लिए, क्लिप्स लिए, बिंदी लिया, तो ऐसा छोटा मोटा, फिर हम लोग ने फ्रूट्स लिया, वेजिटेबल्स लिया, और छतरी भी लिया,
हम लोग की जो छतरी हम लोग भाईंदर से लेकर आए थे वो हम लोग को मिल ही नहीं रहा है घर में कहीं पे भी, तो डैडी एक ब्लैक कलर का लेकर आए थे, बट अभी हम लोग चार जन हैं, कभी मैं बाहर लेके चली जाती हूँ तो डैडी को अगर नीचे जाना हो और बारिश गिरा हो तो छतरी नहीं होता है घर में। सो निशु ने बोला अभी तुम लोग मार्केट जा रहे हो तो एक छतरी ले आना, तो वी बॉट दिस नाइस ब्लू कलर का, सानू के फेवरेट कलर। अभी मैं कुछ भी खरीदती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ और जो कलर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैं वो ब्लू कलर में ही लेने जाती हूँ। जैसे छतरी कोई भी कलर की मैं ले लूँ डजेंट मैटर, तो मैंने कहा चलो सानू का फेवरेट कलर ब्लू वाला ही लेते, तो वी बॉट दिस नाइस ब्लू कलर का अम्ब्रेला, और सानू को कलर बहुत पसंद आया। यहाँ से सिल्वर है और यहाँ से ब्लू है, सो नाउ वी गॉट टू अम्ब्रेला इन द हाउस ताकि अभी किसी को प्रॉब्लम ना हो। हाँ दिस इज फॉर यू ओनली, डोंट ओपन। सो वी रियली एंजॉयड इस टाइम का शॉपिंग मम्मा के साथ। वैसे तो मम्मा के पैर में दर्द है वरना हम लोग और मार्केट घूमते। मैंने मम्मा को सब दिखाया विरार में, हम लोग कहाँ से क्या लाते हैं, कहाँ से वेजिटेबल्स खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते, तो मम्मा बोल रहे अच्छा यहाँ से लेते, अच्छा यहाँ से लेते, यहाँ से लेते, तो इट वॉज फन। आई रियली एन्जॉय डूइंग शॉपिंग विद मम्मा। मम्मा भी बहुत खुश थी इतने टाइम के बाद मम्मा ने इतना सारा शॉपिंग किया विरार मार्केट। मम्मा जब से आई तब से मम्मा ने एक्चुअल विरार मार्केट देखा नहीं था, स्कूटी पे से एक्टिवा पे से ही जाते आते देखा था, बट एक्चुअल मार्केट में कभी एंटर नहीं किया था। तो दिस टाइम शी वॉज सो हैप्पी कि हम लोग ने इतना अच्छे से शॉपिंग किया, वी एंजॉयड, एंड आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा जो हम लोग शॉपिंग करके लेकर आए। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड येस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग ने आज का ब्लॉग शॉपिंग वाला ब्लॉग एंजॉय किया होगा। इफ येस तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली लागेला नानो, एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।